और जैसे कि हमारा थीम है कि मेंटल हेल्थ को, मानसिक जो बीमारियां हैं उसको प्रमोट करना, उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना और सुसाइड के बारे में. एंड सबसे पहले आई शुड थैंक डॉक्टर सुनील मित्तल कि उन्होंने इनवाइट किया एज अ केयर गिवर कि हम अपना भी चैलेंजेस जो हैं हमारे, हम जो हमारे घर में पीड़ित हैं मानसिक रोग से, उसके उनके ट्रीटमेंट में उनके जो हम चैलेंजेस हमें मिलते हैं उसके बारे में हम बात कर सकें. सो एज अ केयर गिवर, क्योंकि मेरे घर में दो पेशेंट हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके हमें एज अ टीम अब काम करना है. और मेंटल इलनेस एक बहुत बदनाम बीमारी है. सो ऑलरेडी हम इसकी वजह से बहुत सफ़र करते हैं घर में, और जब हम बाहर सोसाइटी में भी हमें लेबल कर दिया जाता है और मान लिया जाता है कि तो पागल है, यू नो, अगर साइकेट्रिक इशू है. सो इस चीज़ से उठ के हम माने कि जैसे कैंसर है, टीबी है, वैसे भी ये बीमारियां हैं, इनके डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और इन लोगों को भी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए. तो ये मैसेज मेंटल इलनेस को हम पागलपन तो नहीं कहेंगे, पागलपन नहीं कहेंगे, बट जब भी आज के टाइम में मैं इस क्षेत्र में 8 साल से अब काम भी कर रही हूँ एज फैमिली फैसिलिटी, तो जब भी हम मेंटल इलनेस बोलते हैं या साइकेट्रिस्ट का नाम लेते हैं तो लोग अभी भी उसे पागलों का डॉक्टर ही बोलते हैं. सो ग्राउंड रियलिटी में बहुत ट्रू है, जबकि ये है नहीं, इट इज़ नॉट दैट. ये भी एक बीमारी है और डिसऑर्डर है, और जैसे कैंसर है, जैसे आपको जॉन्डिस हो सकता है, जैसे कोई भी बीमारी हो सकती है. बट अभी भी इतना तरक्की होने के बाद भी इस एज में भी लोग मानते हैं कि ये एबनॉर्मल हो गया, ये ठीक नहीं है, यू नो. सो इस तरह से लेबल कर दिया जाता है. इस चीज़ से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक एज अ केयर गिवर, मेरे लिए भी, मेरे जैसे जो इतने सैकड़ों लोग हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और हमारे पेशेंट्स के लिए भी हो जाएगा. आपका कितना दिन ट्रीटमेंट चला हुआ? डिजीज़ ट्रीटमेंट सब वेरी करता है, फेजेस में ट्रीटमेंट होता है. जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, एक जैसे हमारे को शुगर की बीमारी होती है, वो लाइफ लॉन्ग बीमारी है, उसकी गोली खानी पड़ती है, सैर करनी पड़ती है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है. इसी तरह ये क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ये क्योर नहीं हो सकती, मैनेज हो सकती है. तो आप दवाइयों के साथ, थेरेपी के साथ, रेगुलर डॉक्टर से मिलने के साथ और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक फंक्शनल ज़िंदगी जी सकते हैं. कोई ऐसा सच लिमिट नहीं, हर बीमारी का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है. तो अभी क्या मानते हैं आप, सभी ठीक हैं अब? हाँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल काम करते हैं जैसे सब काम करते हैं. कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो दवाई खा लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, जैसे किसी भी बीमारी में होता है. तो इसमें अभी जागरूकता लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, सिर्फ ज़रूरत नहीं, बहुत ज़रूरत है. आप इसके लिए भी काम कर रहे हो? मैं कर रही हूँ, मैंने अपना वेंचर नेस्ट के नाम से शुरू किया है दिल्ली में भी और पंजाब में भी. पंजाब में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे फिरोजपुर में सर्विसेज नहीं है, जैसे बहुत कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और बहुत बच्चे और बड़े पीड़ित हैं. सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फैमिली सपोर्ट ग्रुप बनाएं जहाँ पे हम फैमिलीज़ को समझाएं, क्योंकि ये लोग खुल के भी नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, छुपाते हैं चीज़ें. तो हम गाइड कर सकें कि इसका इलाज होता है, आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाइए, एक तरह का हम सपोर्ट दे सकें. That what is the access to care, what is the awareness, and why people are not able to take care if they want to take care. So as we understand that in this survey, when 27 lakh people were approached, 10,433 responses that came in, which they had been analyzed. We looked at these are preliminary findings, which are presented here, and we find that in the 7 states of J&K, Himachal, Punjab, Haryana, Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh, the services, the gap between the mental health services, availability, utilization and actual need is very high. Navratna, she hails from Punjab, so if she could say some words, maybe I'll be